हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोग विजन आईएएस मैगज़ीन में जून वाले करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं। जो जून में करंट अफेयर्स आई थी, ठीक है, विजन आईएएस की मैगज़ीन की, जो हिंदी में, उसी को हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें हमने लगभग सभी सेक्शंस को प्री के परस्पेक्टिव से कम्प्लीट कर लिया है। आज हम आपको बेहद एक स्पेशल टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, प्लेसेस इन न्यूज़, ठीक है, सुर्खियों में रहे जो स्थल, यानी कि जो मैपिंग से क्वेश्चंस आते हैं। आप देखे होंगे यूपीएससी में भी कई बार स्थलों से, यानी कि मैपिंग से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं, ठीक है, और यूपी पीसीएस में तो कंफर्म है, यानी कि हर एक एग्ज़ाम में वन डे एग्ज़ाम्स जो होते हैं, यानी और प्री के एग्ज़ाम्स में मैपिंग से एक या दो प्रश्न जरूर ही होते हैं, ठीक है। तो हम महीने वाइज जो है, ठीक है, उसको हम लोग कम्प्लीट करेंगे। तो आज हम जून महीने में विश्व में जो सुर्खियों में स्थल रहे हैं, उसको बेहद एक अलग पर्सपेक्टिव से, एक नए अप्रोच के साथ आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल ये आपको एकदम दिमाग में छप जाएगा, और इसके बाद आपसे इससे अगर कोई प्रश्न आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस कंटेंट को, ठीक है। तो आज हम देखते हैं, पढ़ते हैं, चलिए शुरू करें इंडोनेशिया से, ठीक है। पहले हम ऐसे यानी कि क्लॉक वाइज जाते हैं, ठीक। तो पहले आते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में पहले बात न्यूज़ में क्यों है, इंडोनेशिया के जो है क्या है कि अनक क्राकाटोवा जो है, वो ज्वालामुखी में क्या हुआ, प्रस्फोटन हुआ है, यानी कि वो विस्फोट हुआ है। किसमें? अनक क्राकाटोवा, ये नाम आपको याद रखिएगा। हो सकता है कि आपको मैच दी कॉलम में यूपीपीसीएस में, बीपीएससी में भी मैच दी कॉलम में, और यूपीएससी में डायरेक्ट स्टेटमेंट के रूप में ये प्रश्न पूछ दे, अनक क्राकाटोवा ज्वालामुखी का संबंध कोई और दे देगा, फिजी से है। तो आपको ध्यान देना है कि नहीं, फिजी नहीं होगा, वो इंडोनेशिया होगा। तो इंडोनेशिया के बारे में अगर हम जानते हैं, तो इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ पे है, वो है जकार्ता, ठीक, जकार्ता। साउथ एशियन जो है रीजन में ये पाया जाता है, साउथ ईस्ट जो एशिया है। इसके साथ साथ जो है इंडोनेशिया में कई बार क्या पूछा है, यूपीपीसीएस में और यूपीएससी में भी और बीपीएससी में भी, ये तीनों एग्ज़ाम्स, स्टेट के एग्ज़ाम्स में और सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स में क्या हुआ है कि इंडोनेशिया से बहुत सारे ज्वालामुखी से प्रश्न बने हैं। माउंट मेरापी जो है इंडोनेशिया का एक बहुत ही फेमस जो है वो ज्वालामुखी है। कौन है? माउंट मेरापी। ये कम से कम दसों बार प्रश्न बना है, अलग अलग तरीके से, कभी मैच दी कॉलम में पूछ दिया, कभी ट्रू फॉल्स में पूछ दिया, कभी स्टेटमेंट में पूछ दिया, कभी ऐसे जो है डायरेक्ट पूछ दिया। एक है सेमेरू जो है, ये क्या है, ये एक ज्वालामुखी है, वो कहाँ पे है, ये भी एक इंडोनेशिया में है, ठीक। माउंट रिंजनी RINJANI, ठीक, ये भी क्या है, ये आपका इंडोनेशिया में है। माउंट अगुंग, माउंट अंगुंग क्या है, ये भी आपका इंडोनेशिया में है। तो इस तरह से हमने कितने आपको ज्वालामुखी बता दिए, आपको कम से कम 5 से 6। एक हो गया अनक क्राकाटोवा जो न्यूज में है, माउंट मेरापी, सेमेरू, ठीक है, माउंट रिंजनी और माउंट अंगुंग, ठीक है। माउंट केलूड भी क्या है आपका, एक ऐसा है, ये भी एक ज्वालामुखी है जो इंडोनेशिया में पाया जाता है, ठीक है। जो बहुत प्रसिद्ध जो ज्वालामुखी होती हैं उसमें क्राकाटोवा, यानी कि जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के साथ साथ जो है राकाटा द्वीप पे जो है बहुत सारे ऐसे जो है ज्वालामुखी हैं जिसमें कि क्राकाटोवा सबसे महत्वपूर्ण है, और साथ साथ जो है माउंट मेरापी, सेमेरू, रिंजनी, अंगुंग और आपका कौन है, केलूड, ठीक है। तो इतने सारे ज्वालामुखी को आपको ध्यान देना कि एक जगह पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? इंडोनेशिया में, ठीक। तो अब आपसे अगर कभी भी प्रश्न बने इससे संबंधित तो आपका गलत नहीं होगा। राजधानी आपको जकार्ता आपको याद होगा, इसमें कोई बताने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब आते हैं साउथ पैसिफिक ओशन में एक छोटा सा देश है फिजी। न्यूज में क्यों रहा? फिजी ने क्या बोला कि चीन के साथ जो हमारा जो मिलिट्री जो संबंध है, सुरक्षा संबंधी संबंध है, ठीक है, सिक्योरिटीज़ से संबंधित, उसको हम पुनर्विचार करेंगे। क्योंकि क्या है कि चीन की आक्रामक नीति से बहुत सारे छोटे देश परेशान हैं, और चीन जो है बार बार अपनी आक्रामक विस्तारवादी नीति है उससे जो है आगे बढ़ रहा है, ठीक। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो हो गया, ठीक है, वो ऐसे 9 डॉट पॉलिसीज़ हो गई, तो बहुत सारे ऐसे जो है पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से छोटे छोटे जो देश हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हैं, उससे जूझ रहे हैं, उनके दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। तो फिजी ने भी क्या बोला है कि हम अपने जो सुरक्षा संबंध है उसको फिर से पुनर्विचार करेंगे, ठीक है। तो इसका सबसे बढ़िया आपको ध्यान देना है कि फिजी की जो कैपिटल क्या है, फिजी की कैपिटल है सुवा
फिजी की कैपिटल क्या है? सुवा। आपको वन डे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए आपको एकदम याद कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ दिया हुआ है विक्टोरिया झील, सबसे बड़ी चीज़ है कि विक्टोरिया झील पाई कहाँ जाती है, ठीक है। सबसे बड़ी विक्टोरिया जो न्यूज में क्या, पहले वो देख लेते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके चलते विक्टोरिया झील के बेसिन में जलवायु संबंधी घटनाओं में तेजी आई है। जो उसका बेसिन क्षेत्र है उसमें जलवायु संबंधी, चरम जलवायु संबंधी कुछ घटनाएं हुई हैं। क्यों हुई हैं? कि जो वैश्विक तापमान है, ग्लोबल वार्मिंग है, साथ साथ जो है जलवायु परिवर्तन है, इसके कारण से इसमें तेजी आई है घटनाओं में। तो इसमें आप देखिएगा कि इसमें ये जो विक्टोरिया झील है, कभी प्रश्न बन सकता है और बना भी है, ये मैं PYQ के आधार पर बता रहा हूँ आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर बता रहा हूँ, UPSC BPSC और UPPCS में कई बार बना है प्रश्न। तो विक्टोरिया झील जो है तीन देशों से घिरी हुई है, एक है केन्या, दूसरी है तंजानिया और तीसरी है युगांडा। ये कहाँ पे है? अफ्रीका में है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे, ठीक। तो ये जो है कौन सा है? केन्या, तंजानिया और युगांडा, ये तीन देशों से घिरी हुई झील है। अब आपको इसमें से कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने पूरा आपको जो है मेन चीज़ें जो है इसका बता दिया है। अब आता है कोमोरोस। कोमोरोस बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। आप इंडिया को देख रहे होंगे, ठीक, और ये है क्या है कि ये मोजाम्बिक चैनल है, ठीक है, मोजाम्बिक चैनल है, ठीक, मोजाम्बिक चैनल है ये बीच वाला। इसी में छोटा सा एक देश है, द्वीपी देश है, यानी कि आइलैंड है, ठीक। ये क्या करता है यहाँ पे क्या हुआ कि INS त्रिशूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कौन सी जो मतलब कभी कभी वन डे एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ देता है कि कोमोरोस द्वीप पर जो है वो किस INS ने विजिट किया या फिर कौन से नेवारिक साइड में भाग लिया, ये सब पूछ देता है डायरेक्ट एग्जाम्स में, कभी कभी पूछ देता है। RO में भी तो पूछ देगा, आने वाली वैकेंसीज हैं UPPCS की। तो INS त्रिशूल ने क्या किया, कोमोरोस के बंदरगाह अजौन, ये आपको ध्यान देना कि अजौन जो है किसका बंदरगाह है, कोमोरोस का, उसका दौरा किया। अब ये बात है कि कोमोरोस है क्या, हिंद महासागर में है, अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित है, ठीक है। मेडागास्कर, ये देश, ये मेडागास्कर है और ये क्या है, मोजाम्बिक उत्तर, इसकी इसी के बीच में, मोजाम्बिक चैनल के बीच में एक द्वीपी देश है, बहुत जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें कई सारे भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि फ्रेंच हो गया, कोमोरियन हो गया, अरेबिक हो गया, ठीक। तो ये क्या है यहाँ पर कि ये जो है इसका यहीं पे जो है INS त्रिशूल ने इसका दौरा किया और इसकी राजधानी, सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी राजधानी है मोरोनी। क्या है? मोरोनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान देना है कि हमारी जो कैपिटल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो मोरोनी इसकी कैपिटल हो गई, ठीक। अब इससे कोई भी प्रश्न बनेगा तो आप लोकेशन जानते होंगे कोमोरोस की, कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। द्वीप का मतलब ऐसा पूछ देगा कभी कि आप अफ्रीका में नहीं, मतलब ऐसे पूछ देगा साउथ अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ये अफ्रीका की देश है, ठीक। अब क्या है, आता है एक आया सेनेगल। सेनेगल के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था आपको, जब जो मैगजीन पढ़ा रहा था। ये अभी क्या है कि जो है पश्चिमी अफ्रीका का, ये अफ्रीकी देश है, यानी पश्चिमी अफ्रीकी महाद्वीप में एक देश है, ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ पर है? डकार। सेनेगल की राजधानी क्या है? डकार। अब क्या है कि इसमें संघर्ष की घटनाएं बहुत ज़्यादा हुई हैं, यहाँ सेनेगल में बहुत सारी संघर्ष की घटनाएं हुई हैं, ठीक, गृह युद्ध जैसी स्थिति है। ये क्या है, यहाँ पे 90% जो जनसंख्या वो क्या है, मुस्लिम है। और इसके क्या मेन, मैं आपको बताया था जब मैगजीन पढ़ा रहा था, आपको याद होगा अगर आप ध्यान दिए होंगे, अगर मैगजीन ध्यान से मैं वीडियोज़ पढ़े होंगे, IR पढ़ा रहा था, तो यहाँ पर क्या हुआ कि मूँगफली जो है, यानी सब हर, मान लीजिए कि हमारे देश में सर्विस सेक्टर जो है सबसे बड़ा योगदान देता है, इसके बाद एग्रीकल्चर है अर्थव्यवस्था में। यहाँ क्या है, यहाँ जो है आपका जो मूंगफली है, यहाँ पे मूंगफली की खेती होती है, मूंगफली, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है कि अर्थव्यवस्था का आधार है मूंगफली। इंटरेस्टिंग बात है, डकार इसकी कैपिटल है, याद रखिएगा। नाइजीरिया में क्या हुआ, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसकी कैपिटल क्या है, अबूजा। ये भी अफ्रीकी देश है नाइजीरिया, आप इसका लोकेशन देख रहे होंगे, ये नाइजीरिया है और ये अफ्रीकी देश है जिसमें कि 36 राज्य हैं, फेडरल कैपिटल है, ठीक है। अबूजा इसकी कैपिटल है, क्या है इसकी, अबूजा कैपिटल है, ठीक। तो ये आपका ध्यान देना है कि नाइजीरिया जो है इसका लोकेशन, इसका कैपिटल और क्यों न्यूज में रहा राष्ट्रपति, ठीक है, इसी राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण हुआ। अब आते हैं सूरीनाम पे। सूरीनाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, चूँकि क्या है कि कई बार, एक बार क्या हुआ था कि सूरीनाम के जो पूछा था कि सूरीनाम निम्नलिखित, एक छोटा सा कोई वन डे एग्जाम्स था उसमें पूछ दिया था कि सूरीनाम निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है, बहुत सारे लोगों ने गलत किया था। चूँकि क्या है कि वो अफ्रीकी देश नहीं है, वो एक साउथ अमेरिकी देश, यानी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है, छोटा सा कंट्री है, ठीक।
इसी के जो पूर्व में क्या है, फ्रेंच गुयाना है, फ्रेंच गुयाना का नाम सुने होंगे, ठीक है, और पश्चिम में गुयाना है, पश्चिम में गुयाना और पूर्व में फ्रेंच गुयाना, ठीक है, पश्चिम में गुयाना, फ्रेंच में पूर्व गुयाना, ठीक है। ये क्या है कि इसकी कैपिटल क्या है, कैपिटल है पारामारिबो, पारामारिबो जो है इसकी कैपिटल क्या है, पारामारिबो। बहुत ध्यान देने वाली बात है, इसका क्या है, कभी कभी ऐसे ऐसे देश के कैपिटल आपको ध्यान देने होते हैं जिसका कभी नाम आपने सुना ना हो, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसका आपको कैपिटल याद नहीं रहा होगा, पारामारिबो। इसकी भाषा क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज डच, यानी कभी ये डच कॉलोनीज हुआ करती थी, ठीक है, इसकी डच जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो आपको ध्यान देना है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें क्या हुआ कि सूरीनाम में भारतीयों के आगमन के 150 वर्ष पूरे हुए। यहाँ भारतीय जो है कभी आए हुए थे, किस लिए आए होंगे, वर्कर्स के तौर पे आए होंगे, ठीक है, जाहिर सी बात है 150 वर्ष पहले मतलब अंग्रेजों का शासन था, तो यहाँ पे 150 वर्ष पूरे हुए, इसके उपलक्ष्य में कुछ आयोजन हुए होंगे उसके जो एम्बेसी की तरफ से, तो इसीलिए न्यूज़ में रहा है। तो पारामारिबो इसका कैपिटल है, डच इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब आता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बेलीज, ये क्या है, WHO ने बेलीज को मलेरिया युक्त मुक्त घोषित किया है, यानी मलेरिया से मुक्त घोषित किया है किसको, बेलीज को। बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मलेरिया मुक्त जो होता है, कभी भारत भी मलेरिया मुक्त हुआ था, सॉरी मलेरिया मुक्त नहीं, वो क्या हुआ था, पोलियो मुक्त हुआ था, सॉरी मलेरिया मुक्त भी नहीं हुआ, ठीक है, तो बेलीज को मलेरिया मुक्त कतौन घोषित किया था। जो मुक्त घोषित होते हैं WHO द्वारा देश होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें क्या है, इसकी जो कैपिटल है क्या है, बेलमोपान, बेलमोपान क्या है, इसकी कैपिटल है, और नॉर्थ अमेरिका में ये स्थित एक देश है। इसकी लोकेशन आप देख रहे होंगे, नॉर्थ अमेरिका, ये रहा आपकी इसकी लोकेशन, ये वाला, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका। अब आता है क्यूबा, नाम तो आपने सुना ही होगा क्यूबा का, क्यूबा बहुत इंपॉर्टेंट है चूँकि अमेरिका ने पुष्टि की है कि चीन जो है 2019 से ही यहाँ पे जासूसी अड्डे का संचालन कर रहा है। उसकी कैपिटल क्या है, हवाना, कैपिटल आपको या जरूर ही पता होगा अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो। अब यहाँ पे देश आता है, एक खता सर्बिया, सर्बिया क्या है कि भारत की राष्ट्रपति, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में है, भारत के राष्ट्रपति यानी कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो सर्बिया की जो है राजकीय यात्रा किए हैं। इंपॉर्टेंट है, अगर अनऑफिशियल यात्रा होती तो वो इंपॉर्टेंट नहीं होती, पर ये राजकीय यात्रा है इसलिए इंपॉर्टेंट है, यानी यह किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की पहली सर्बिया की यात्रा है। कहाँ है इसका लोकेशन, ये आप लोकेशन देख रहे होंगे, यहाँ पे आपका सर्बिया यूरोपीय देश है, ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ पे है, बेलग्रेड, इसकी राजधानी कहाँ पे है, बेलग्रेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आता है कि माली, माली का आपने नाम तो सुना होगा, न्यूज़ में अक्सर न्यूज़ में रहता है। माली क्या है, ये यहाँ पर माली स्थित एक अफ्रीकी देश है, पश्चिमी अफ्रीकी देश है। क्यों न्यूज़ में रहा है, संयुक्त राष्ट्र मिशन ने माली में जो संवैधानिक जनमत संग्रह हुआ है उसका समर्थन किया, किसने, UN मिशन ने, ठीक। माली की कैपिटल क्या है, बमाको, माली की कैपिटल क्या है, बमाको, आपको ये ध्यान देना है। अभी आप देख रहे होंगे रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, इसमें एक देश जो है वो है बेलारूस, ये है इसी मुहाने पर स्थित एक देश है। क्या है ये बेलारूस जो है, उसको भी रूस ने धमकी दे रखी है कि अगर तुम नाटो की तरफ गए तो तुमको भी उड़ा देंगे। तो इसमें क्या है कि रूस ने बेलारूस में रूसी परमाणु हथियार तैनात करने की योजना बना रहा है, न्यूज़ में इसीलिए है। इसकी कैपिटल रूस, बेलारूस की कहाँ पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिन्स्क, मिन्स्क, ठीक है, मिन्स्क इसकी कैपिटल है। अब क्या है कि आपको ईरान के बारे में तो आपको मैंने पढ़ाया ही होगा, ईरान के बारे में आपको न्यूज़ में था, वो बहुत न्यूज़ में था, मैं आपको पढ़ा रहा था तो आपको सिक्योरिटीज़ में हाइपरसोनिक मिसाइल जो है उसने ईरान ने बनाया था अपना, ठीक है, हाइपरसोनिक मिसाइल, ठीक है, Mach 5 पे जो चलने वाली थी। तो उसी में क्या है कि रियाद में ईरानी दूतावास को फिर से खोला जाना है भारत की तरफ से, और इसकी कैपिटल ईरानी कहाँ पे है, तेहरान है, ये आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना है। पाकिस्तान तो आप जानते ही होंगे, इसमें क्या है, इसमें क्या न्यूज़ में है, चीन ने पाकिस्तान में मियांवाली ज़िले में, यानी पंजाब प्रांत में मियांवाली ज़िला है, जिसमें चमसा नामक परमाणु संयंत्र ऊर्जा स्थापित करने पर समझौता किया है, चीन ने किया है, तो चीन तो भाई उस करेगा ही करेगा। तो ये है इस न्यूज़ में इसलिए रहा। अब ये बात है ओमान, ओमान की जो क्यों न्यूज़ में रहा, जो हमारे भारत की जो NSA हैं वो ओमान के दुकम बंदरगाह का दौरा किया, भारत के जो NSA हैं, ओमान आप देख रहे होंगे, ये रहा आपका ओमान, ये आपका ओमान रहा, ठीक है, एकदम मुहाने पर स्थित है। तो दुकम बंदरगाह का दौरा किया इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, सामरिक रूप से भारत के सुरक्षा और उसकी जो अवस्थिति है उसके हिसाब से ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए जो है NSA ने
कुछ जो है दिक्कतें रही होंगी या कुछ जो है स्ट्रैटेजिक बातें रही होंगी, वो उसी चक्कर में उन्होंने दौरा किया है। ठीक है, क्या कि उधर चीन का प्रभाव काफ़ी बढ़ता जा रहा है, तो इसीलिए भारत के जो NSC राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं अजीत डोभाल ने उनका दौरा किया, ओमान की राजधानी मस्कट है। ठीक है, तो आपको मैंने ऐसे क्रम वाइज आपको विश्व में जितने स्थल रहे हैं लगभग सभी आपको जो न्यूज़ में रहे जून में उसको मैंने करा दिया। अब इससे प्रश्न कभी बनेगा तो इसका आपके लोकेशंस आपको मैप पर याद रहे होंगे, मैंने राजधानी कराई है, मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो बता दिए हैं, जैसे कि सेनेगल में क्या इंपॉर्टेंस है, मूँगफली का जो उसका अर्थव्यवस्था का आधार है, इंडोनेशिया के बहुत सारे आपको मैंने आपको ज्वालामुखी बता दिए, ऐसे ही सारे विक्टोरिया झील और तमाम चीज़ों को मैंने बता दिया। अब आते हैं सुर्खियों में रहे जो भारत में स्थल हैं, इसको भी आपको थोड़ा बहुत देख लेना ज़रूरी है। पूरा क्रेडिट रहता है विजय इसको, चूंकि इसने इतना अच्छा मैगजीन तैयार किया, अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपको कहीं अन्य चीज़ें भटकने के लिए नहीं जा रही, कहीं नहीं भटकना पड़ेगा आपको, कहीं भटकना ही नहीं है। इसी मैगजीन को पढ़िए, करंट अफेयर्स साथ आपका जो स्टैटिक चीज़ें हैं वो भी तैयार होंगी। सुर्खियों में रहे भारत में स्थल क्या है, महाकालेश्वर मंदिर है, कहाँ पर है, जो है मध्य प्रदेश में। इसमें क्या है कि काल महाकाल का दर्शन, इसमें नेपाल के प्रधानमंत्री ने उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। कामाख्या मंदिर असम में है, कहाँ पे, नीलांचन पहाड़ियों के ऊपर स्थित है। और इसमें कौन सा मेला, चूँकि मेला से क्या है कि कई बार UPPCS में और UPBPSC में प्रश्न बन जाता है कि ये मेले किस जगह से या किस राज्य से संबंधित हैं, तो अंबुबाची मेला जो है असम से संबंधित है, कामाख्या मंदिर में होता है नीलांचल पहाड़ियों के ऊपर। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना है, कौन सा मेला, अंबुबाची मेला। अच्छा, उड़ीसा में सुंदरबन है, ठीक है, सुंदरबन उड़ीसा का जो सुंदरबन प्रभाग है उसने क्या किया कि सुंदरबन प्राकृतिक मेहराब को GSI ने भू विरासत स्थल में घोषित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। ठीक है, ये उड़ीसा वाला जो रेंज है सुंदरबन का उसमें। ठीक, अब क्या है, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी रथ यात्रा हुआ, जगन्नाथ मंदिर जो है उड़ीसा में ही है। गोलकुंडा का किला कहाँ पे है, कभी कभी कंफ्यूज कर देता है ये वाला प्रश्न जो है, इतना मतलब ये कॉमन सी बात है, गोलकुंडा का किला कई बार कर्नाटक दे देगा ऑप्शन में, आंध्र प्रदेश दे देगा, तमिलनाडु दे देगा, तेलंगाना दे देगा, हम कंफ्यूज हो जाएंगे कहाँ ऑप्शन है, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर ऐसा होता है कि एग्ज़ाम्स में हमसे छोटी छोटी गलतियाँ होती ही होती हैं। तो इसमें ध्यान देना है कि ये तेलंगाना में स्थित है गोलकुंडा का किला। ठीक है, इसी पे इसने संस्कृति मंत्रालय ने स्थापना दिवस का आयोजन किया था। क्या है कि ओरवाकल्लू गाँव आंध्र प्रदेश, ओरवाकल्लू गाँव UPSC में ऐसे प्रश्न बनते हैं साउथ से, पूछता है और हम लोग सोचते हैं इतिहास में कहाँ से पूछ दिया, तो ओरवाकल्लू गांव जो आंध्र प्रदेश में क्या कि मध्य पाषाण युग की एक चित्रकारी की खोज की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार करके कहीं कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि क्या है कि कभी कभी UPSC में प्रश्न ऐसे ही न्यूज़ में रहते हैं स्थल उसी से पूछता है, हम लोग बुक RS शर्मा में पढ़े यहाँ तो नहीं था, हमने स्पेक्ट्रम पढ़ा यहाँ नहीं था, हमने घटना चक्र पढ़ी वो भी नहीं था, तो हम लोग खोजते रह जाते हैं, पूछते हैं कि इतिहास में कुछ भी पूछता है, कुछ भी नहीं पूछता है, जो न्यूज़ में रहते हैं वहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं कभी कभी। अब क्या है, थिरुवदुथुराई मठ कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, इसी यहीं पर जो पुजारी थे उन्होंने सेंगोल सौंपी थी जो संसद भवन में स्थापित की गई, मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया है सेंगोल के बारे में, जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस है उसमें, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मठ से कभी प्रश्न ये आने वाले, चूंकि सेंगोल न्यूज़ में रहा तो आने वाले समय में ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में थिरुवदुथुराई मठ में, यहीं के पुजारी ने सेंगोल को सौंपा था जो राजसत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है, जो संसद भवन में स्थापित किया गया है सेंगोल, और प्रधानमंत्री खुद लेने गए थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके आप लर्न कर जाइएगा। अच्छा, अब आता है केरल, अब यहाँ पे है कोचीन बंदरगाह, यहाँ पे केंद्र सरकार ने कोचीन बंदरगाह केरल का जो है नवीनीकरण काम शुरू किया, ये कोचीन बंदरगाह पूछ देता है कभी कभी कि बंदरगाहों में ऐसे लिस्ट दे देगा तो मैच दी कॉलम दे देगा या फिर ट्रू फॉल्स में पूछ देगा, तो कोचीन में ध्यान देखना केरल में है। महाराष्ट्र में जो रायगढ़ किला है उसी में जो है शिवाजी के राज्याभिषेक की 385 वर्षगांठ मनाई गई, इसलिए न्यूज़ में रहा। लोथल है, लोथल आप सुनेंगे हड़प्पा का जो बहुत प्रमुख बंदरगाह था, वहाँ पे क्या कि केंद्र सरकार लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की विकसित कर रही है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद NMHC राष्ट्रीय समुद्री जो है विरासत स्थल जो है इसको विकसित कर रही है, नेशनल मैरीन हेरिटेज कल्चर हेरिटेज कन्वेंशन सेंटर या ऐसे हेरिटेज सेंटर जो है इसका विकसित हो रहा है, तो ये जो है कहाँ पे लोथल में हो रहा है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है। खिड़की मस्जिद जो है वो कहाँ पे है, दिल्ली में है, उसी की मरम्मत की कार्य शुरू हुई, खिड़की मस्जिद, कभी कभी आर्ट एंड कल्चर में ये प्रश्न बन जाएगा खिड़की मस्जिद। सीरी फोर्ट क्या है, ये एक जो है दिल्ली में स्थित है, इसमें मकबरे जैसी कुछ है
वो क्या मिला है, संरचना मिला है, किसमें, सीरी फोल्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे आता है उहल नदी कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। अब क्या होता है कि कभी कभी जो है बहुत सारे से कावेरी जल विवाद हो गया, ठीक है, और अन्य सारे देशों में जल विवाद है, अरे अन्य सारे राज्यों में, देश के अन्य राज्यों में बहुत सारे जल विवाद होते रहते हैं, स्वामित्व को लेकर के बहुत सारी समस्याएं होती हैं, हरियाणा पंजाब में भी जो है वो विवाद होता है जल को लेकर के। इसी तरह से उहल नदी पे, हिमाचल प्रदेश में है नदी है उहल नदी पे, यहीं पे क्या हुआ कि जो है इन हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच में विवाद आरंभ होने की आशंका है। तो न्यूज़ में है दो राज्यों के बीच विवाद है, ठीक है, तो क्या हो सकता है कि इसमें प्रश्न बन सकता है, ठीक है, प्रश्न बन सकता है कि उहल नदी जो है वो कहाँ पर है, वो आपका जो है हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो इन पंजाब और हिमाचल प्रदेश में जो है इसको क्या है कि विवाद हो सकता है इन सब चीज़ों को लेकर के। खिड़की मस्जिद के बारे में आप जानते हैं, खिड़की मस्जिद का कोई पूछेगा कि इसका निर्माण किसने किया था, तो फिरोज शाह तुगलक के मतलब कोई मंत्री था, उसने किया था, उसका नाम था खान ई जहान जुनैन शाह, यानी शासक के रूप में देखें तो फिरोज शाह तुगलक के काल में ये निर्माण हुई थी खिड़की मस्जिद, जो दिल्ली में है, ठीक है। तो जो प्लेस में स्थल में रहे उसके बारे में, उसका मेन मेन चीज़ें मैंने बता दी हैं, और ये भारत का भी हो गया और विश्व का भी हो गया, यानी कि मैपिंग हम लोग महीने महीने जो है विजन एस मैगजीन से करते रहेंगे, तो आपको मैपिंग वाली जो न्यूज़ है उसको कभी जो उससे प्रश्न बनते हैं वो कभी गलत नहीं होंगे। तो आज हमने विश्व में जो मैपिंग में जो मेन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो न्यूज़ में रहे स्थल थे, उसको हमने बहुत सारे अच्छे आयामों के साथ, हमने अच्छे अप्रोच से देख लिया। भारत में भी मैंने जो था उसको मेन मेन बता दिया, ठीक है। अब आज ये जो है मैपिंग वाले सेक्शन यानी मिजन आईएएस के जो मैगजीन है उसमें प्री के पर्सपेक्टिव से कुछ भी अब बचा नहीं है, अब सिर्फ बचा है मेंस के पर्सपेक्टिव से। उसकी एक क्लास मैराथन क्लास लूँगा, हैंड रिटन नोट्स तैयार होने वाला है, अब उसको हैंड रिटन नोट्स के साथ मैं कराऊँगा, तो कम से कम एक से डेढ़ घंटे या दो घंटे में पूरा जो है मैगजीन का मेंस के पर्सपेक्टिव से जो कुछ चीज़ें रहेंगी निचोड़ के रूप में सॉल्व करा दूंगा, उसको पढ़ा दूंगा मैं मैराथन क्लास लेकर के। तो जून की जो मैगजीन है वो अब लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं तीन चीज़ें करने वाला हूँ। टेलीग्राम पे डेली जो है 10 क्वेश्चंस इसी मैगजीन से 10 क्वेश्चंस जो है मैं आपको स्टैटो डायनेमिक अप्रोच के साथ, यानी कि स्टैटिक और डायनेमिक अप्रोच के साथ मैं आपको डालने वाला हूँ, और मेंस के लिए आंसर राइटिंग भी कराने वाला हूँ इसी मैगजीन से जो है आंसर राइटिंग होगी। मैं क्वेश्चन बनाकर टेलीग्राम पर डाल दूंगा, अगर आप उसको कॉपीज को पूरा लिखते हैं तो फ्री में आपको चेक होकर के उसी जो टेलीग्राम के ग्रुप में जो है उस पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। या आप मेल करते हैं तो मेल पे जो है उससे भी आपको पूरा कॉपी चेक करके आपको फ्री में मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, किसी भी कोचिंग में लाखों रुपए की फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें यहीं से हो जाएंगी, ठीक है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा, और आगे भी जो है हम लोग पूरे साल जो है इस मैगजीन्स को ऐसे ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद।